हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। आज हम लोग खेलने वाले हैं डुओ वर्सेस डुओ, क्योंकि स्क्वाड खेलने से ज़्यादातर बंदा खेलते नहीं है ठीक तरह से, एक साथ नहीं उतरते हैं, अलग होकर उतरते हैं। देखिए डुओ वर्सेस डुओ मेरे दोस्त है, वो एक साथ हम लोग नीचे उतर रहे हैं, एक साथ गन वन लेंगे, एक साथ रहने में अच्छा होता है ना। क्योंकि देखिए भाई, अगर आप लोग अलग हो जाएंगे तो दूसरा बंदा आगे आप लोगों को मारेगा ना, वो तो ये नहीं सोचेगा ये बंदा सिंगल है तो इसको छोड़ देंगे, वो तो वही सोचेगा यही मौका है इसको मार देते हैं। इसीलिए डुओ वर्सेस डुओ खेलने में मज़ा आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। मेरे को कार 90 और MP40 चाहिए, मिल तो नहीं रहा अभी। अब देख सकते हैं एक चिप मिल गया मेरे को 3 लेवल का बैग। ये देखिए बोलते बोलते कार 90 मिल गया 1 लेवल का, 2 चिप हो गया मेरे पास। और एक चिप चाहिए, और एक चिप चाहिए तो हो जाएगा फुल अपडेट वाला गन। मेरे को MP40 भी चाहिए, MP40 इधर नहीं है ऐसा लगता है। अगर मार्ट पे मिल जाएगी तो अच्छा है। मेरे दोस्त का भी चिप है भाई, चिप ला। हाँ एक चिप दे दिया मेरे को, अभी खेलने में मजा आएगा। देख सकते हैं इसको भी AC80 दे देते हैं, इसको चाहिए ये वाला। मैं जो बंदा लेके खेल रहा हूँ ये वाला बंदा साइलेंसर नहीं लगता इसको। एक कार 90 जितना भी स्नाइपर वाला गन है वो गन से खेलने में मजा आता है, इसलिए ये वाला बंदा मैंने चूज किया है। आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए भाई। अगर नए हैं तो कमेंट भी कीजिए जो कैसा खेल रहा है बंदा या नहीं खेल रहा है, कौन सा वाला खेलने में अच्छा होगा, वीडियो डालेंगे कौन सा वाला। आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे तो कैसा होगा, तो देख सकते हैं। आज मेरा दोस्त ने बोला है जो कार 90 और MP40 लेके चैलेंज करना है, तो वही लेके आज हम लोग खेलेंगे कार 90 और MP40 लेके। देख सकते हैं मेरा तो फुल हो गया है लूटना, मगर इसको तो नहीं हो रहा। मेडिकेट ज़्यादातर जब मेडिकेट और जैकेट ऑपरेटर करने वाला है तो चाहिए ही, क्योंकि बंदा अगर मारेगा तो ये सब चाहिए ना। मेरे सामने एक चिप गिरा हुआ है, मेरे दोस्त को दे देते हैं। वो M10 लिया है, M10 में खेलने में अच्छा लगता है खेलने में, मगर क्या बोलेंगे वो M10 से ज़्यादातर बस बंदा सामने ही मार सकते हैं, आप दूर वाला बंदा नहीं मार सकते, क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर होता है मगर रेंज नहीं होता है। इसलिए शॉर्ट रेंज में बंदा अगर रहेगा तो मरेगा या नॉक होगा, अगर सिंगल रहेगा तो मरेगा बंदा, अगर स्क्वाड में खेल रहे हैं या डुओ खेल रहे हैं तो नहीं मरेगा, वो तो नॉक ही होगा ना, क्योंकि सामने वाला बंदा तो उसको बचा ही लेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा मैंने स्पीड कर दिया है। मेरे को ये क्यों लगता है, सामने जो रिवाइव सेंटर है वहीं पे बंदा रिवाइव कर रहा था, रिवाइव हो चुका है, ड्रॉप गिर गया भी वहाँ तो लूटेगा, ड्रॉप का लोकेशन आ रहा है उधर ही, अभी ड्रॉप गिरेगा, ड्रॉप गिर रहा है, इसलिए मेरे को लगता है बंदा यहीं पर आएगा, क्योंकि ड्रॉप लूटने के लिए उसको तो आना ही पड़ेगा। अभी उतरा है, देखिए बोलते बोलते बंदा आ चुका है। अबे गोली नहीं लगा, रुक, गोली नहीं लगा तो क्या होगा, इसको सामने जाकर मारेंगे, ये बंदा मरेगा, जरूर मरेगा, क्योंकि ये अकेला आया है लूटने के लिए, दूसरा वाला बंदा आसपास ही होगा, इसको पहले मार। अबे यार M10 लेके फिर भी इसको कुछ भर नहीं सका, मारना चाहिए था ना, क्या किया यार, M10 लेके बैठा है, अच्छी तरह से मारना चाहिए इसको। दूसरा वाला बंदा आ चुका है, ये भी हुक्म लेके चल रहा है। अबे रुक, मेरे से पंगा ले रहा है, जब तेरे को पता नहीं रो भी स्क्वाड में आ गया तो उसको सामने नहीं जाना चाहिए, वो मार देगा, क्या यार इसको तो पता ही नहीं है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए भाई, क्योंकि आप अगर चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे
तो मेरा क्या होगा बोलिए, आपका ही नुकसान होगा ना। अरे आपका नुकसान वो वाला नुकसान नहीं है, ये वाला नुकसान है, क्योंकि आप गेम मेरा गेम नहीं देख सकते हैं। अगर मैंने जो गेम छोड़े वो गेम नहीं देख सकते आप, इसलिए बोल रहा हूँ आपका नुकसान है ना। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए भाई। आज हम लोग खेलने वाले दो ओवर से दो, पहले बोल चुके हैं दो ही खेल रहे हैं। सामने ऐसा लगता है सामने बंदा होगा, जरूर होगा, क्योंकि जोन ख़त्म हो चुका है पहला वाला। दूसरा वाला जोन में हमको जाना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला जोन के अंदर बंदा ज़्यादातर ज़्यादा बंदा होगा। अभी देखिए 24 बंदा है, 24 बंदा है। एक बंदे को मैंने मारा, ऊपर से रिवाइव होके नीचे उतर रहा है, मगर वो नहीं मरा, मेरा दोस्त मार रहा है उसको। देखिए बाएं तरफ बंदा है, डैमेज दे दिया नॉक। दूसरा वाला बंदा भी आएगा, एक तो मारना ही चाहिए मेरे को, मर जाएगा, मर गया। अबे यार इसको हेडशॉट लगाना चाहिए था, नहीं मरा। रुक जा बेटा, तू जाएगा कहाँ पर, मरेगा तो जरूर। रुक, सामने जाके मारेंगे इसको, तो मारना ही होगा, क्योंकि ये तो ज़्यादातर ग्लोबल लेके बैठा है। देखिए अबे यार ये तो मेरे को ही मार रहा है, इसका हेल्थ कम होगा या मेरा हेल्थ पता नहीं है, मगर जोन तो खा ही रहा है। रुक तेरी तो। देखा यार मेरे को समझ में नहीं आता, वो जानता है सामने वाला बंदा तगड़ा है, फिर भी मेरे सामने आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है लोग क्या खेलेगा। मेरा फोन के चलते ठीक तरह से खेल नहीं सकता मैं। अगर मेरा सामने दो तीन बंदा आज आएगा तो मार देंगे। कितना बंदा मारेंगे, वो वाला तो प्रो प्लेयर नहीं है मैं, जो यार कंप्यूटर में जो खेलता है एक साथ हेडशॉट लगाते लगाते, कितना हेडशॉट लगाता है मेरे को ये नहीं पता है। हेडशॉट इतना लगाते कैसे ये लोग, मेरे को तो हेड ही नहीं लगता है यार। सामने तो देख रहे बंदा है, ये देखिए अभी देख रहा है सामने, अभी देख रहा पीछे बंदा है, पीछे भी एक बंदा है। ऐसा लगता है पीछे वाला बंदा मर जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इतना नेटवर्क खराब हो रहा है, नेटवर्क खराब होने से मेरा गेम रुक रहा है। एक लैंडमैन है मेरे पास, मैं यहाँ पर रख के आ रहा हूँ, कोई भी बंदा अगर आएगा जोन से तो मरेगा। मेरे को ये नहीं पता है बंदा नीचे की तरफ अभी भी है, अभी भी कितना बंदा देखिए, 10 बंदा अभी भी, मैंने 5 किल कर चुका हूँ। मेरे को ये नहीं पता है, ये देखिए सामने बंदा है, मगर क्या करेंगे, मेरा फोन लैक हो रहा है इसीलिए ये बंदा मार नहीं सका मैं। अबे जोन से तो बाहर आएगा ही, मरेगा जरूर, ये खाया है बेटा, तू मरेगा आज, आज जरूर मरेगा। इतना डैमेज करो, मेरे पास ग्रेनेड है, फेंक रहा हूँ, देखो मरता है कि नहीं। ये वाला बंदा जरूर मरेगा, ये देखो डैमेज हो चुका है, मर भी गया। अबे मर जा बचेगा कि नहीं, मर जा। ये सामने रहा बंदा, अबे रुक, इसको क्यों मार रहा है रे? इस बंदे को तो मैंने मार दिया, मेरा भाई नॉक हो गया है, इसको रिवाइव कर देते हैं, नहीं तो बेचारा मर जाएगा। अबे जा जोन के अंदर चला जा, मैं भी इधर से जा रहा हूँ। अबे यार इतना लैग करेगा तो कैसे खेलेंगे बोले, कितना लैग कर रहा है यार, सामने बंदा है अभी भी लैग कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा फोन को क्या हो चुका है। इसके चेंज करना पड़ेगा फोन को ऐसा लगता है। अबे जोन छोटा हो रहा है, रुक थोड़ा सा, रुक जा भाई रुक जा, इसको तो मारना ही पड़ेगा, रुक थोड़ा सा। छत के ऊपर बंदा है, ग्लोबल लगा के, ग्लोबल लगा गया, ये नहीं लगा शॉट, और एक शॉट मारना चाहिए। अबे ग्लोबल में लगा है,
यार समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा एक गोली का मेहमान है गया, नॉक हो चुका है वाला बंदा, और एक गोली खाता तो मर जाता यार। एक गोली नहीं मार सका मैं, नॉक कर दिया मगर मार नहीं सका। अभी देख सकते 7 किल हो चुका है मेरा, अभी भी 7 बंदा है नीचे, छत के ऊपर ही 2 बंदा होगा और नीचे 2 स्पॉट तो होगा, 2 4 7, अभी भी सिंगल बंदा एक है, 6 बंदा हो चुका है, यानी नीचे 2 ऊपर 2 और हम लोग 2। अबे तू बाहर मत जा, बाहर मत जा, ग्लोबल लगा के, ग्लोबल लगा के मारेगा तो मर जाएगा। ये बंदा मेरा सुनता ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता है एक साथ रहने में क्या दिक्कत हो जाता है। देखो इसका हेल्थ पूरा खराब हो गया है, ये नॉक भी हो चुका है, ग्लोबल लगा रहा है, अपना ग्लोबल यूज ही नहीं कर रहा है तो मरेगा नहीं। अभी भी देखियो मैं एक और 4 बंदा, अभी भी मेरे को छोड़ के 4 बंदा है, कैसे जीत सकेंगे? मेरे को तो भूया करना ही होगा, चैलेंज है, भूया करना ही होगा। मेरा दोस्त बोल रहा है चैलेंज, देखो सामने 2 नाली लेके बैठा है यार, मेडिकेट लगाने दे, जैकेट पे थोड़ा अपडेट करने दे, उसके बाद आ जा, कौन किसको मारते देखने। यही पे बंदा है, ले खा ले। अबे यार भाग गया, मारपीट हो रहा है, एक बंदा को नॉक किया ऐसा लगता है। रुक जा बेटा, एक गया और एक गोली और एक मेहमान गया ऊपर, ये सोच भी नहीं सका मेरे को इधर से मार देगा। 2 बंदा और भी है, 2 बंदा नहीं एक ही है, उसको तो मार दिया मैंने, 3 बंदा था। रुक जा भाई, तू मेरे ही हाथ पे चढ़ेगा आज, किसका साथ खेल रहा है तो देख नहीं सका ना। आजा भाई आजा, एक गार्ड कर दिया मैंने, ले थोड़ा सा खा ले, और थोड़ा सा खा लेगा तो ऊपर चला जाएगा। भूया हो चुका है मेरा।